ये चंदन वाली जो हल्दी है वो कल पहली हल्दी के बाद लगेगी, याद रखो संध्या। हाँ हाँ दीदी याद रखेंगे, अभी तो हम उजाला को गोरा कर दें। इसे क्या पता कि काले लोगों का वजन तराजू काटा भी नहीं तोलता, फिर जिंदगी भर ऐसे ही हल्के होके घूमना पड़ता है। अरे दीदी वो आपके देवर देवरानी आने वाले थे ना झांसी से, वो कब आएंगे? आज रात की ट्रेन है, आ जाएंगे वो भी। हाँ ठीक है आप फोन रखिए। अरे दीदी वो होटल के कमरे भी तैयार हो गए मेहमानों के लिए। चलो अच्छी बात है, जैसे जैसे गेस्ट आते जाए उन्हें होटल ही पहुंचाते जाओ। कल हल्दी है तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे होटल से। ठीक है। संध्या हल्दी की रस्म कल है, ये क्या कर रही हो? बताया ना हल्दी की तैयारी कर रही हूँ, अब कल तो सब मेहमान आ जाएंगे, समय मिलेगा नहीं, कल तक इसका रंग भी निखर आएगा, इसीलिए कर रही। ओह ईशान वापस भी आ गया, यानी अब तक तो मेरा काम पूरा हो ही गया होगा। अरे ईशान आओ बैठो, कैसी रही शॉपिंग? अरे मॉम हम लोगों ने कुछ खरीदा ही नहीं। क्यों? अब क्या बताऊं, एक तो शौर्य नहीं आया हमारे साथ, ऊपर से उर्मी कंफ्यूज हो गई, और आप लोग मुझे तो जानते हैं मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आता, बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करके आ गए, मन ही नहीं लगा। पर हमने फाइनली डिसाइड किया है कि बहुत जल्द शौर्य के साथ जाकर सब फाइनल कर देंगे। ये अच्छा है, पहले उर्मी की पसंद का इंतजार करो फिर उसके बेटे की। ईशान तुम अपनी चीजें अपनी पसंद से ले रहे हो या उनका इंतजार कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मम्मी मैं तो अपनी आधी से ज्यादा शॉपिंग कर चुका हूँ, वो भी ऑनलाइन। पर ये क्या बात हुई ईशान, कपड़े ज्वेलरी ये सारी चीजें उर्मी को पहननी है, शौर्य को थोड़ी। शौर्य क्या करेगा? शौर्य की चॉइस अच्छी है ना, एंड आई थिंक उर्मी शादी की शॉपिंग शौर्य के साथ करना चाहती है, तो इट्स फाइन विद मी, इसमें हर्जी क्या है? शौर्य शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है, इन्वॉल्वड है, खुश है, ठीक है ना? होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, राइट? अच्छा मॉम मैं थकवा गया हूँ शॉपिंग वॉपिंग करके, विंडो शॉपिंग करके, तो जरा चेंज वेंज करके आता हूँ, आप रानी को बोल के कॉफी भिजवा देंगी ना? श्योर थैंक्स। हेलो अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है बाहर आ रहा हूँ। रति ये उजाला को ले जाओ, 10 मिनट बाद इसका पैक धुलवा दे। मामी। अरे क्या मामी, ये लो जाओ काम किया करो कुछ। चलो दीदी पहले तो मैं समझी नहीं थी पर अब मैं समझ गई हूँ आपका खेल, आप शौर्य को यूज करके इन दोनों की शादी तोड़वाना चाहती थी ना, है ना? पर दीदी कुछ हुआ नहीं, इन दोनों की जोड़ी बहुत पक्की है, उसे गलाने के लिए ना कोई और ही तरकीब निकालनी पड़ेगी। मेरी बात मानिए दीदी, उर्मी को छोड़कर ईशान पे काम कीजिए, ईशान आपका बेटा है, आपकी बात नहीं टालेगा। उर्मी को ईशान की नजरों में गिरा दीजिए फिर देखिए क्या होता है, नहीं तो आप तो नहीं होने दूंगी का मंजीरा बजाती रह जाएंगी और उर्मी विद फैमिली हमारी फैमिली में आ जाएगी, समझ रही है ना आप?